हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बीपीएससी 2023 टीजीटी एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। टाइम आपके पास नहीं है। जैसा कि बिहार या स्टेट का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है, आज हो गया आपका 28 सितंबर, बट 2-3 दिन के अंदर आपका 30 के अंदर आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। एंड दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं है और मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेली बेसिस पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यह केवल बिहार या स्टेट यानी बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, और फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे ईएमआरएस हो, चाहे उत्तराखंड एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपी एलटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी, नेट, जो भी है, सबके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस समय चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका मैं कोशिका के बारे में बता चुकी हूं, एंड ये मसल्स रिलेटेड है, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो यहां पे कौन सा आंसर राइट होगा? मांसपेशियों में किस तत्व, यहाँ थकने की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ सकता हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो मांसपेशियों में किस तत्व की पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो यहाँ पे ड्यू टू लॉक ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इन द मसल्स ए प्लेयर कैन नॉट फटीग लॉन्गर। यहाँ लॉस्ट नहीं होगा, फटीग होगा, ठीक है। तो फैटी एसिड, एमिनो एसिड, बायोटिन, जैसे कि आप जानते हैं इंस्टेंट एनर्जी सोर्स जो हमारे कार्य करने का होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में और लीवर में जमा होता है। तो मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की पर्याप्त होने से क्या होता है? ग्लाइकोजन की पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक काम करता है और थकता नहीं है। ग्लाइकोजन जो है शरीर में सरल शर्कराओं के योग से बनता है, जैसे कि अवयकृत और पेशी में संचित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इसको पुनः जो ग्लूकोज में बदल देता है शरीर, और खिलाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। ऐसे तो सबसे मजबूत पेशी जो है हमारे निचले जबड़े की मसेटर मसल्स हैं। विच द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, कौन है? मसेटर मसल्स। लेकिन इस ऑप्शन में मसेटर मसल्स नहीं दिया है, तो इन चारों ऑप्शन में सबसे मजबूत कौन है? रेक्टस फेमोरिस है। कौन है? रेक्टस फेमोरिस, जो हमारे जांघ के ऊपर की पेशी है, कहते हैं उसको क्वाड्रिसेप्स, जो हमारे हिप को मोड़ने और घुटने का विस्तार करने में काम आती है। तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, उस चार पेशियों से मिलकर बनना होता है। रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, इन चारों पेशियों से मिलकर क्वाड्रिसेप्स बनता है, जो जांघ की बड़ी और सबसे शक्तिशाली पेशी है, जिसमें से रेक्टस फेमोरिस जो है किक लगाने में सहायक होती है, इसलिए रेक्टस फेमोरिस को किक मसल्स भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को वसा तथा टिश्यू के मेल को कहते हैं। तो हमारे शरीर में वसा यानी फैट टिश्यू यानी लीन टिश्यू, लेकिन फैट टिश्यू की बात नहीं कर रहा है। हमारे शरीर को वसा यानी टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड टिश्यू इन आवर बॉडी कॉल्ड? तो इसको कहते हैं वसा यानी कि टिश्यू एंड फैट के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बॉडी कंपोजिशन। क्या बोला जाता है? बॉडी कंपोजिशन। जैसे कि मानव शरीर में फैट एंड टिश्यू के मेल को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। इसके तीन मुख्य घटक हैं, मांसपेशियां, वसा और अस्थि। एक औसत वयस्क नर और मादा शरीर में शरीर के कुल भार का अनुपात क्रमशः 15% और 20% वसा की मात्रा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है। तो हमारे शरीर में तीन प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। रेखित को ऐच्छिक पेशियां भी, वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है, और रेखित को अनैच्छिक पेशी, इनवॉलंटरी
स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है और हृदय पेशी वो भी अनैच्छिक प्रकार का ही है। तो अनैच्छिक पेशी को हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तीनों की विशेषता क्या है, जो हमारी रेखित पेशियां हैं उसको ऐच्छिक पेशियां, कंकाल पेशियां भी कहते हैं, जो टेंडन के द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसको कंकाल या स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, जो हमारी इच्छाओं के द्वारा कंट्रोल होती है, हमारे जो आवेग एक्शन पोटेंशियल मसल्स को अंगों को मिलता है और तब वो कार्य करता है। इसमें तीव्र संकुचन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और श्वेत तंतु की अधिकता होती है। किसकी? श्वेत तंतु की। इसलिए थकता है, ये लैक्टिक एसिड बनता है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, जो भी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं उसमें लैक्टिक एसिड यानी फास्ट ट्विस्ट फाइबर काम करता है, वाइड मसल फाइबर। जो अरेखित पेशी है जिसे स्मूथ मसल्स एनएचसी भी कहते हैं, इस पे हमारी इच्छाओं का कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने आप संचालित होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अमाशय अग्नाशय लीवर, ये सभी अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और इसमें धीमा संकुचन होता है एंड लैक्टिक एसिड नहीं बनता और लाल पेशी तंतु की उपस्थिति होती है जो इंडोरेंस को डेवलप करती है, इंडोरेंस वाले कार्य में होता है लाल पेशी तंतु। जो हृदय पेशी होती है ये अनैच्छिक प्रकार की होती है, जैसा कि जानते हैं इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है आप सबका, ये जीवन प्रयत्न चलती रहती है, जब ये धड़कना बंद हो जाएगी, कार्य करना बंद कर जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी और धीमा संकुचन होता है हृदय पेशियों में, लैक्टिक एसिड इसमें भी नहीं बनता। और सर्वाधिक लाल पेशी तंतु रेड मसल्स फाइबर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कार्डियक मसल्स में, याद रखिएगा। एंड जो ऐच्छिक पेशियां हैं, रेखित पेशियां, स्केलेटल मसल्स हैं, इसका संचालन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है, जबकि अरेखित यानी कि स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स इन दोनों का संचालन करती है ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो आपको पता है मेरा आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, यानी व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल्स हार्ट मसल्स, तो यह होता है अनैच्छिक इनवॉलेंटरी, क्या होता है? अनैच्छिक प्रकार का। नेक्स्ट है, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेशी विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज द कॉल द फादर ऑफ मसल साइंस, यहाँ किनेसियोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन है दोस्तों, आप सबको पता है अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी। नेक्स्ट है, मांसपेशीय तंतु के संकुचन एलिमेंट को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सार्कोमेयर नहीं दिया है, पिछले वीडियो में मैंने उसमें सार्कोमेयर राइट होगा जिसमें मायोफाइब्रिल मैंने बताया है। तो मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट को कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट है, शरीर रचना भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं, यानी इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज व्हाट इज द हार्ट मसल्स कॉल्ड, तो एनाटॉमिकल भाषा में हृदय मांसपेशियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है एनाटॉमिकल भाषा में हृदय मांसपेशी को? मायोकार्डियम। क्या बोला जाता है? मायोकार्डियम। एंड नेक्स्ट को, जैसे कि दोस्तों जो हमारी हृदय होती है मांसपेशी, तीन मांसपेशियों से बना होता है, बाहरी परत को कहते हैं एपिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम के तीन परत से बना होता है जिसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है, और मध्य परत को कहते हैं मायोकार्डियम एंड आंतरिक परत को कहते हैं एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है? द ओनली वे टू कीप मसल्स इन परफेक्ट टोन, तो मांसपेशियों को टोन रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो यहाँ पे आपका कौन सा? यौगिक आसन और क्रिया भी करना, मांसपेशियों को हर समय गतिशील रखना, उचित और पर्याप्त व्यायाम करना,
प्रत्येक सुबह तेल मालिश करना कौन सा राइट हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उचित और पर्याप्त व्यायाम करना, प्रॉपर एक्सरसाइज। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से किसी से सर्वाधिक किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? तो पूर्ण मांसपेशी टोन जो होता है इसमें से किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वो होता है प्रत्युत्तर समय से, रिस्पॉन्स टाइम से। यानी कि पेशी जो है कभी भी पूर्ण रूप से विश्राम अवस्था में नहीं होती है। आभासी रूप से विश्रामशील पेशी में भी हल्की सी संकुचन की स्थिति बनी रहती है, जिसे पेशी तान या टोन कहते हैं। पेशी तान पेशी की आंतरिक विशेषता है, अपितु यह तंत्रिका क्षेत्र की एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है। इस पेशी तान के फलस्वरूप पेशी जो है उद्दीप्त होने पर बलपूर्वक सिकुड़ने के लिए तत्पर रहती है। पेशी को टोन रखने के लिए उचित और पर्याप्त व्यायाम करना चाहिए। पूर्ण मांसपेशीय टोन प्रत्युत्तर समय यानी रिएक्शन टाइम में से सर्वाधिक संबंधित होता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में बृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स फॉर्म? तो वो होता है बृहद की बात करें, सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस, और तो बृहद एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है आपका लोअर लिम्ब में। ठीक है, इन द लोअर पार्ट यानी कि निम्न भाग में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तंतु से बने स्लो ट्विस्ट मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं? तो हमारे मसल्स फाइबर में दो प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। जो रेड मसल्स फाइबर है वो स्लो ट्विस्ट यानी कि धीरे धीरे संकुचित होती है, जो व्हाइट मसल फाइबर होती है वो फास्ट ट्विस्ट यानी कि जल्दी जल्दी संकुचित होती है। तो जो रेड मसल फाइबर होता है वो एंडोरेंस यानी सहनशीलता वाले कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सहन शक्ति के लिए, ठीक है, फॉर एंडोरेंस के लिए। जबकि व्हाइट मसल फाइबर जो होती है वह एरोबिक कार्यों अनएरोबिक कार्यों के लिए यानी कम समय के स्पीड वाले उच्च तीव्रता वाले कार्यों के लिए हाई इंटेंसिटी वाले कार्यों के लिए व्हाइट मसल फाइबर होती है काम करती है, जबकि रेड मसल फाइबर क्या करती है, ये एरोबिक कार्यों के लिए ज्यादा समय के कार्यों के लिए एंड्योरेंस वाले कार्यों के लिए जिसमें लो इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम हाई होता है उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? विच प्रोटीन आर फाउंड इन मसल्स? तो मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो मांसपेशियों में दो फिलामेंट या दो प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन के भी दो प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। याद रखिएगा, एक्टिन के मायोसिन पर फिसलने से ही मांसपेशी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि संकुचित होता है। नेक्स्ट है, टेनिस फोरहेड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है? विच थोरेसिक मसल्स इज यूज्ड इन टेनिस फोरहेड? तो जो हम टेनिस फोरहेड लगाते हैं तो कौन सी मसल्स वक्ष पेशी यानी थोरेसिक मसल्स का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि आपके थोरेसिक पर कौन सा मसल्स होता है, पेक्टोरेलिस मेजर। ठीक है, तो आसन नंबर बी आपका राइट होगा, पेक्टोरेलर मेजर, जिसे थ्रोइंग मसल्स बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है, एक स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होता है? बाई जॉगिंग एट वन प्लेस, तो क्या होता है, एक स्थान पर आप जॉगिंग करेंगे तो आपके घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। जो घुटने के पीछे की मसल्स होती है पिंडली यानी कि कौन सा मसल्स, जो आपका गैस्ट्रोनेमियस कॉफ मसल्स होती है, उस मसल्स के छोड़कर सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं एक स्थान पर जॉगिंग करने से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या होती है,
तो कम से कम मानव शरीर में 300 मांसपेशियों की जोड़ी पाई जाती हैं, जबकि मांसपेशियों की कुल संख्या 339 होती है। यदि जोरदार काम से पेशी को चोट पहुंची हो तो व्यायाम कितने घंटे के बाद किया जा सकता है, यानी 48 घंटे। यदि किसी जोरदार काम से आपके पेशी को चोट पहुंचा हो तो कितने घंटे के बाद आप दोबारा से व्यायाम कर शुरू कर सकते हैं, तो 48 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट है टेनिस एल्बो क्या है। तो टेनिस एल्बो दोस्तों एक क्या है, व्हाट इज द टेनिस एल्बो। तो टेनिस एल्बो यह ओवर यूज इंजरी है, क्या है, अति प्रयोग से उत्पन्न इंजरी कॉजेज बाय ओवर यूज। तो ओवर यूज इंजरी है, यानी टेनिस एल्बो आपको कोहनी यानी कि एल्बो जोड़ और कलाई के को सीधा करने हेतु प्रयोग किए जाने वाली मांसपेशियों के अत्यधिक प्रयोग के कारण होता है। ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें कलाई को बार बार मोड़ना पड़ता हो, यह चोट टेनिस या रैकेट के प्रयोग द्वारा खेले जाने वाले अन्य खेलों को खेलने वाले व्यक्तियों में अत्यंत आम बात है, इसलिए इसका नाम टेनिस एल्बो है, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस आदि। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चबनी हड्डी की चोट से संबंधित है, यानी कि विच पार ऑफ द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉपलिटिल बोन इंजरी। जो घुटने की चबनी हड्डी होती है उसके चोट से कौन सा खेल संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फुटबॉल एंड टेनिस दोनों। फुटबॉल एंड टेनिस दोनों खेल में घुटने की चबनी हड्डी की चोट ज्यादा लगती है, जिसे घुटने की पटेला यानी कि पटेला हड्डी को हम चबनी हड्डी कहते हैं, याद रखिए, जो हमारे पटेला हड्डी होती है घुटने पर उसे चबनी बोलते हैं, चबनी हड्डी की चोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एचिलिस टेंडनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है, व्हाट हेल्प इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ एचिलिस टेंडनाइटिस। एचिलिस टेंडनाइटिस जो होता है हमारे एड़ी की टेंडन होती है, शरीर की सबसे बड़ी एंड मजबूत टेंडन होती है एचिलिस टेंडन, जो क्या कार्य करती है, पिंडली की मांसपेशी को मजबूत करती है। किसकी मांसपेशी को मजबूत करती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत करती है, पैर के निचले भाग की मांसपेशी को। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल इफेक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो इनमें से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है, यहाँ पे मसल्स स्पाजन में कमी स्थानीय प्रभाव है, सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि ये भी स्थानीय प्रभाव है, सेल मेटाबॉलिज्म दर में वृद्धि ये भी स्थानीय प्रभाव है, बट मसल टोन का बढ़ना किसी एक स्थान से रिलेटेड नहीं है, समस्त बॉडी के मसल्स का टोन की बढ़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए स्थानीय प्रभाव या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, मसल टोन का बढ़ना, इंक्रीज इन मसल टोन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज जनरेटेड इन द मसल्स आर नर्व सेल विच इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब हम व्यायाम करते हैं उस समय तंत्रिका मांसपेशी में तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न होती है, आवेग आते हैं हमारे मस्तिष्क से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तभी तो मांसपेशियां हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। इसको पता लगाने का यंत्र है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की दीवार का मध्य कोर्स क्या है, ठीक है, विच
इज द मिडिल कोर्ट ऑफ द हार्ट वॉल। दोस्तों जैसे कि जो हमारी हृदय मांसपेशियां होती हैं, तीन मांसपेशियों से बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं, जो पेरिकार्डियम के तीन परतों से बना होता है, जिसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है। मध्य कोर से बना होता है आपका मायोकार्डियम से, एंड अंतिम में जो आंतरिक भाग होता है वो एंडोकार्डियम से बना होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मायोकार्डियम। मध्य कोर कौन सा है, मध्य परत, तो मध्य परत आपका हो जाएगा मायोकार्डियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धा में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन मसल्स इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स इवेंट्स रिलेटेड टू थ्रोइंग मसल्स। तो कौन फेंकने से रिलेटेड मसल्स है यहाँ पे, तो बृहद अंश पेशी यानी कि पेक्टोरेलिस मेजर। कौन है, पेक्टोरेलिस मेजर। नेक्स्ट है, श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है, द मसल्स यूज द टू बेंट द पेल्विस इज नोन एज। जो पेल्विस है यानी श्रोणि क्षेत्र को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी का क्या नाम है, तो उस पेशी का नाम है जो जांघ के ऊपर पाई जाती है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो चार पेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, जो जांघ की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है, या श्रोणि को मोड़ने और घुटने को प्रसार करने में काम आती है, एंड घुटने को मोड़ने में काम आती है, घुटने जांघ के पीछे जो हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो। तो याद रखिएगा ये सब। एंड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि बॉक्सर मसल्स बोला जाता है सेरेटस इंटीरियर को, रोइंग मसल्स लैटिमस डॉर्सी को, स्विमर मसल्स डेल्टाइन एंड लैटिमस डॉर्सी दोनों को बोला जाता है, थ्रोइंग मसल्स पेक्टोरलिस मेजर जो वक्ष पर पाया जाता है, टेलर मसल्स सार्टोरियस को बोला जाता है जो सबसे लंबी मांसपेशी है शरीर की, मलखम या राइडर मसल्स एडक्टर मंगस को बोला जाता है, लिफ्टर मसल्स डेल्टाइड मसल्स को जो हमारे कंधे पर होता है, कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनेमियस को बोला जाता है जो पैर के पिछले भाग में होता है। एंड तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और इसी तरह डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।